का स्वागत है रीजनिंग की दुनिया में। आज हम लोग का रीजनिंग का तीसरा क्लास है। तीन ट्रिक मैं पहले दे चुका हूँ, तीनों ट्रिक पहले देख लेना है, एक बार दो बार, दो बार देख सकते याद हो ही जाएगा। किसी भी तरह का कमजोर दिमाग होगा फिर भी याद हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा जो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री का वीडियो जाएगा, इसको देखने के बाद लास्ट में होमवर्क दे रहा हूँ। हर रोज होमवर्क बनाना है। अगर परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, परेशानी को का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे कर दूंगा। और अगर आपको बढ़िया लगता है तो आप शेयर करने के लिए ना भूलेंगे, क्योंकि आपका गुरु दक्षिणा शेयर ही मैं मानूंगा। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ही आपका गुरु दक्षिणा रहा। इसको आप करते रहेंगे तो मैं इसी तरह आपको पूरा रीजनिंग ए टू जेड पढ़ा के खत्म कर दूंगा। चलिए आते हैं समय को नहीं बर्बाद करते हुए। और रीजनिंग, मैथ, ये दोनों चीज में कॉमेडी का एस्पेक्ट नहीं करना है। किसी को हंसे हंसाए ये प्रसंग बस होता है, ठीक ना। ये माथा में नहीं सेट करना है कि हंसा नहीं रहे, पढ़ाई मजा नहीं है। हंसाएंगे तो आप हंसेंगे, आप समझे कितना उसको देखिए, ठीक ना। मेरे पढ़ाने के बाद आपको समझ में कितना आता है उसको देखिए। हमेशा समझ में आ रहा है तो उत्तम समझ। और मैं हंसा दिया एक घंटा तक तो लाफिंग गैस छीट दूंगा, हंसते रहेंगे। और आप समझ नहीं पाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको याद हो गया तो उसकी महानता आप समझिए कि नहीं, मैं, मुझे याद हुआ, मैं उत्तम पढ़ाई पढ़ लिया। आपको समझ में आ गया तो समझिए मैं उत्तम पढ़ाई पढ़ा। और आप हंस लिए घंटा क्लास में बहुत मजेदार, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हाँ कर दीजिएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक ना। इसलिए पढ़ाई को मेन फोकस कीजिए। कॉम्पिटिशन है, हंसाने वाले से ही अगर दुनिया निकल जाता तो पता चलता हंसने वाला पास ही पढ़ के सबका नौकरी लग जाता। लेकिन परसेंटेज याद करेंगे, सबसे ज्यादा मेरा ही पढ़ाई करने के बाद परसेंटेज में नौकरी लेगा, इसका मैं दावा लूंगा 100% पूरा दुनिया के साथ, कि परसेंटेज में ज्यादा बच्चा मेरे पास पढ़ने वाला नौकरी लेता है। मैं 50 बच्चे ही पढ़ाता हूं तो 50 में 40 45 35 को सक्सेस करके दिखाऊंगा। इसलिए ध्यान दीजिए, यहां हंसना कम है, चीजों को समझना ज्यादा है, होमवर्क बनाना है ज्यादा। आपको समझ में अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बस आपका मजदूरी यही हो गया, गुरु दक्षिणा यही हुआ। अब आते हैं कितना मस्त मस्त रीजनिंग का हिसाब है। एक सांकेतिक भाषा के कुछ तत्व नीचे दिए गए हैं कि एक सांकेतिक भाषा के कुछ तत्व नीचे दिए गए हैं। और तो क्या लिखा है, 1, 2, 3 का अर्थ हुआ इट इज ब्लैक। ये क्या है, ये मान लिया, माना कि 1 है, इट 2 है, इज 3 है, ब्लैक किसी को मान लिया जाता है और मान करके उल्टा करके उल्टा पुल्टा करके लिख दिया रहता है। अब इसमें डिजिट को पहचानना है कि 3 किसके लिए प्रयोग किया गया है, 5 किसके लिए प्रयोग किया गया है, और कैसे पहचानेंगे। तो देखिए कि 1, 2, 3 का अर्थ क्या लिखा है, इट इज ब्लैक। 3, 4, 5 का अर्थ है डॉग इज रनिंग। 3, 5, 6 का अर्थ है इज रनिंग गुड। 7, 2, 8 का अर्थ है ब्लैक पेट कॉ। 6, 3, 7 का अर्थ है कॉ इज गुड। कहता है तो ब्लैक इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। मतलब ये एक वाक्य दिया है, ब्लैक के बदले में डिजिट खोजना है, इज के बदले में डिजिट खोजना है, रनिंग के बदले में डिजिट खोजना है। कैसे खोजेंगे, तो एक कॉमन वाला पहले, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, एक कॉमन वाला खोजिए। 1, 2, 3, 3, 4, 5 क्या कॉमन मिला, 3। तो यहाँ वर्ड भी एक ही कॉमन मिलेगा, इट इज ब्लैक डॉग इज रनिंग, कौन मिला इज, निश्चित रूप से 3 है इज, कोई दिक्कत। फिर कॉमन एक वाला लेंगे, अब 3 तो इज हो गया, अब इसमें कौन कॉमन बचा, 5, 5 ना, तो इज तो हम जान चुके हैं क्या है, इज 3 है। अब बंकिम देखिए, डॉग रनिंग, रनिंग गुड, तो रनिंग रनिंग कॉमन मिला, और इसमें 4, 5, 5, 6 में कौन कॉमन मिला, 5। क्योंकि 3 किसके लिए है, पहला दूसरा जन गया 3 है इज के लिए, तो अब 4, 5 और 5, 6 है इज, इज तो हम जान गए इज मतलब है 3, इज मतलब है 3, तब बचा 4, 5, 5, 6 डॉग रनिंग, रनिंग डॉग गुड, और दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में डॉग रनिंग और रनिंग गुड में क्या कॉमन है, रनिंग, रनिंग दोनों में, तो रनिंग कौन होगा, 5 होगा, यानी कि 5 हो गया रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग। उसके बाद फिर देखिए, फिर कॉमन हम खोजेंगे, 1, 2, 3, 7, 2, 8 क्या क्या कॉमन मिला, सिर्फ 2 मिल रहा है, तीन दोनों वाक्य में सिर्फ एक वर्ड मिलेगा, इट इज ब्लैक, इच को जान चुके हैं 3 है, ब्लैक पेट को, तो दोनों में क्या मिल रहा है, केवल ब्लैक मिल रहा है, तो केवल ब्लैक क्या है, 2 है, 2 के लिए ब्लैक आया है, 2 क्या है, ब्लैक है। केवल आराम से बनाना है, फर्स्ट में एक बार पूरा बुक आराम से बनाना है, कोई स्पीड नहीं,
स्पीड करने के फेरा में ही बच्चा कमजोर रह जाता है। इसलिए फर्स्ट बार केवल समझिए सब चीज को, एकदम आहिस्ते आहिस्ते बनाइए। तो अब यहाँ तो बलाय की रनिंग का अर्थ दिखाना है, हमारे पास इतना तो कम से कम मिल चुका है। बलाय इज रनिंग, बलाय के बदले में क्या ले लेंगे, टू, इज के बदले में क्या ले लेंगे, थ्री, रनिंग के बदले में फाइव। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू थ्री फाइव, कहीं होगा टू थ्री फाइव, गलती हो गया उतारने में, ये उतारने वाला झंझट बड़ी घटिया होता है। यहाँ हम लोग का क्या, बलाय को इज रनिंग, क्वेश्चन में तो गलत नहीं रहेगा, अब हम लोग से उतारने में कभी थोड़ा मिस हो जाता है अलग बात है। ब्लैक को इज रनिंग, तो ब्लैक के लिए हमको नहीं पता चला है, दो है, कौ के लिए नहीं पता चला है, कौ भी मैं खोज लूंगा, कौ कहाँ इसमें है, और किसी में कौ है क्या, इसमें भी कौ है, एक ही मात्र कौ कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा, सात, इसका मतलब है कौ क्या है, सात। वर्ड से भी कॉमन लेके देख लेंगे, ये लेटर कॉमन देख के वर्ड छांट लेंगे, वर्ड कॉमन देख के लेटर छांट लेंगे, कितना तरीका देखिए, हम ही दोनों को लेकर कोई निकालते हैं, पहले इसका निकाल के बता दूं, तो कौ का क्या हो गया, सात, तो अब क्या हो जाएगा, ब्लैक, ब्लैक मीन्स हो गया टू, मैं टू रख दूंगा, कौ मीन सेवन, व सेवन रख दूंगा, इज, इज मतलब तीन है, तीन रख दूंगा, रनिंग, रनिंग मतलब फाइव है, फाइव रख दूंगा, मतलब टू सेवन थ्री फाइव, टू सेवन थ्री फाइव, गर्दा नंबर मिल जाएगा रे, और इससे नौकरी, सबसे बड़ी बात है इससे नौकरी मिलने वाला है। इस तरह का आपको क्वेश्चन सीखना है, रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, इससे नौकरी मिलेगी कम से कम। अगर अपने राज्य में, झारखंड में अगर आप चपरासी भी बन जाएंगे तो कम से कम 2 करोड़ का मालिक बनेंगे। इसे हुब से भी पढ़ना चाहिए आदमी को, यही सब पढ़ाई से नौकरी मिलने वाला है। आ अरे अरे क्या मस्ती लगता है बनाने में। दूसरा तरीका क्या है, मैं इधर देख लूं, इट इज ब्लैक डॉग इज रनिंग, इज इज कॉमन मिला, इसका मतलब यहाँ कोई कॉमन होगा, कौन कॉमन है भाई, तीन, इसका मतलब है इज क्या है, इज है तीन, एक मिल गया। फिर इधर मैं कॉमन देखूं सबको, डॉग इज रनिंग डॉग, अब तो इज तो मैं पहचान चुका हूँ, तीन है, रनिंग रनिंग मिला, मतलब इज को तीन को छोड़ के और कोई कॉमन होगा, हेड को तीन को छोड़ के कौन कॉमन है, पांच, इसका मतलब रनिंग के लिए आया पांच, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग के लिए आया पांच। फिर खोजेंगे कुछ कॉमन मिलेगा क्या, इज रनिंग गुड, ब्लैक पेट कॉ, कोई कॉमन नहीं मिला, ब्लैक पेट कॉ इज गुड, एक कॉ कॉमन मिला, इसमें भी कोई कॉमन होगा, सात दो आठ चौ दो ओ सात, सात कॉमन है, इसका मतलब कॉ है सात, कॉ है सात। इसी तरह हम और देख लेंगे, कहीं कहीं मिलकर मिला के देखते हैं किसी में कुछ छूट रहा है क्या, हमको चाहिए क्या क्या चीज, ब्लैक कॉ इज रनिंग, कौ रनिंग इज ब्लैक, छूट रहा है ब्लैक, कहाँ है ब्लैक, यहाँ है, और कहाँ ब्लैक है, और कहाँ ब्लैक है, कहीं तीन नंबर में कहाँ है भाई, इज रनिंग गुड, कहीं नहीं है ब्लैक, एकदम सबसे नीचे है ब्लैक, यहाँ है, यहाँ ब्लैक, यहाँ ब्लैक, ब्लैक पेट कौ इज इट इज ब्लैक, ब्लैक ब्लैक कॉमन है केवल, तो इसमें एक ही कॉमन होगा दोनों में, इसमें वन टू थ्री सेवन टू थ्री इट्स एट, टू टू कॉमन है, इसका मतलब ब्लैक के बदले में टू आया है, ब्लैक के बदले में टू आया। हमको कोई हड़बड़ाहट नहीं है क्योंकि हमको सीखना है अभी, स्पीड तो मैं कर नहीं रहा हूँ। अब आराम से खोजेंगे, ब्लैक मतलब दो, कौ मतलब सात, इज मतलब तीन, रनिंग मतलब फाइव, ओ गर्दे उड़ गया रे, तीसरा मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन लेता हूं, दो नंबर, फिर वही है कि एक सांकेतिक भाषा में वन टू थ्री का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, रटना नहीं, वन टू थ्री का अर्थ किसी से पूछना नहीं है कि वन टू थ्री का अर्थ क्या होता है, वो नहीं बता पाएगा तो बोलेंगे ब्राइट लिटिल बॉय होता है, किताबों में लिखा हुआ दिखा दूंगा, ये मना हुआ है, केवल मना कि गाय का मूल्य एक्स, तब गाय ब्लैक बोलेगा आपका मूल्य कितना है, एक्स रुपया हो, क्योंकि हम पढ़े थे, तो मानता है उस तरह मना हुआ है। वन टू थ्री का अर्थ हुआ ब्राइट लिटिल बॉय, वन फोर फाइव का अर्थ है टॉल बिग बॉय, ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक्स थ्री सेवन का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो ब्राइट के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग है। अब हमको लगता है शायद पता नहीं, हमको थोड़ा सा परेशानी बुझा रहा है, हम वर्ड कॉमन खोज लेते हैं, टॉल बिग बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय, बॉय धरा गया, रुक रे छोड़ा तुमको पकड़ते हैं, वन फोर फाइव और इसमें कहता है वन टू थ्री, वन वन दोनों में सिर्फ कॉमन मिला, इसका मतलब वन है बॉय, वन कौन है बॉय, अच्छा बॉय रुको। अब आगे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसका है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसमें है ब्राइट लिटिल बॉय, दोनों में लिटिल लिटिल दिख रहा है भाई, इसका डिजिट कौन है वन टू थ्री, इसका डिजिट
6 3 7 3 3 को मैं छोड़वा के लिए आया होगा, लिटिल के लिए, ये बचवा के लिए ना, लिटिल 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 छोटा सा होता है, लिटिल के कौन कौन मिल गया, थ्री, तो इसका मतलब है लिटिल है थ्री है एल आई डबल टी एल ई। उसके बाद कौन बच रहा है, और एक वाक्य है टॉल बिग बॉय, कहीं बॉय है क्या, बॉय वाला तो खो चुके हैं, बॉय तो वन है। उसके बाद है ब्राइट के लिए पूछ रहा है, ब्राइट के लिए पूछ रहा है, तब तो दोनों छटा गया, लिटिल चला गया, कौन लिटिल थ्री चला गया, बॉय कौन चला गया, वन चला गया, तो ब्राइट बचा केवल कौन बचा होगा, वन और थ्री चला गया तो कौन बचा, मतलब कि हमारे पास बॉय मीन्स एक, लिटिल मीन्स थ्री, और यह वन टू थ्री ब्राइट लिटिल बॉय, लिटिल मीन्स थ्री बॉय मीन्स वन, तो थ्री और वन गाय बच गया, थ्री और वन गाय बजेगा तो कौन बच जाएगा, टू बच गया, तो टू ब्राइट के लिए, अर्थात ब्राइट के लिए टू, ऑप्शन नंबर एक मार देंगे। और अगर इसे लगता है ना सीरियल में लिखिए इसे वन टू थ्री, दूसरा बता रहा हूं तरीका, ब्राइट लिटिल बॉय बी आर आई जी एस टी ब्राइट लिटिल बॉय, फिर है क्या, वन फोर फाइव का अर्थ है टॉल बिग बॉय, वन फोर फाइव का अर्थ है टॉल बिग बॉय, और कुछ है सिक्स थ्री सेवन, सिक्स थ्री सेवन का अर्थ क्या है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, लिटिल फ्लावर। अब हम कॉमन खाली देखेंगे, यहाँ एक एक कॉमन मिला, इसमें एक ही टू कॉमन कौन को होगा, कौन कॉमन है, बॉय बॉय, इसका मतलब है वन क्या है बॉय, तो वन का अर्थ हम जान गए बॉय। फिर किसी में देखते हैं इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, थ्री थ्री, तो इसके वाक्य में भी यहाँ थ्री एक ही कॉमन होगा, ब्राइट लिटिल बॉय ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो दोनों में लिटिल लिटिल दिखा, इसका मतलब लिटिल कौन है, लिटिल थ्री है, लिटिल क्या है थ्री एल आई डबल टी एल ई लिटिल है। अब बचा कौन, ब्राइट पूछा था तो हम वन भी जान गए, वन कौन बॉय बॉय है, और थ्री कौन है लिटिल है, तो टू कौन बचेगा, टू ब्राइट है। ऐसे बनाएंगे, कई वेज है बनाने में, अपने जैसे कंफर्टेबल फीलिंग हो, आप अलग कलम से घेरा लगा लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप कर लो। अब आगे का क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीपीओ की टॉप माँ का अर्थ है, तात्पर्य है उषा इज प्लेइंग कार्ड। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, सीपीओ की टॉप माँ, इसका तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है उषा इज प्लेइंग कार्ड, यू एस एच ए उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स मतलब ताश। आगे का आता है, यहां देखिए कोमा है, आगे है कोप जा की मां, इसका अर्थ ये हुआ कोप जा की मां का तात्पर्य क्या है, आशा इज प्लेइंग टेनिस, ए एस एच ए आशा इज प्लेइंग टेनिस, इसका अर्थ ये है। और कुछ दिया है, दे दो जितना देना है, और कुछ देना है, हाँ, की टॉप शॉप हो, की टॉप शॉप हो, इसका तात्पर्य क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तब करना क्या है, तब कहता है और है उड़ी बाबा पोसूर कोप का तात्पर्य कार्ड्स एंड टेनिस। एक और है, क्या है वो, पोसूर कोप, और इसका अर्थ क्या है, कार्ड्स एंड टेनिस, सी ए आर डी एस कार्ड्स एंड टी ई डबल एन आई एस टेनिस, तब कह रहा है इसी संकेतिक में आशा का तात्पर्य क्या है, संकेत क्या है, आशा कहाँ है रे आशा बेचारी, हे यहाँ आशा है, इसी का हमको संकेत पता करना है।
तो कोप जा की मा इस चारों में से कोई होगा। अब क्या होगा पता नहीं, ई जीज वाला कहीं मिल रहा है क्या? है देखिए ऐसे एक नॉर्मल रूल में बता दूं, इज प्लेइंग दो ठो मिला, इज प्लेइंग मिला तो इसका इज प्लेइंग देखिए इसमें दो ठो जरूर मिलता होगा, इन दोनों में मतलब फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में और फोर्थ में, हम फर्स्ट और सेकंड से तुलना कर रहे हैं। क्या चीज इसमें इज प्लेइंग मिला, कप्पो की टॉप मा, आ हरे हरे कप्पो की टॉप मा, और इसमें है कोप जा की मा, तो की मा की मा, इसका मतलब यही दोनों की मा कौन है, इज प्लेइंग होगा, क्योंकि हमको खाली आशा खोजना इसलिए इसको हटा दिए, खत्म ये भी बेचारी खत्म, की मा गायब। अब जा खाली खोजना है, जा और किसी में कहीं ना कहीं होगा, जा 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 बेचारी, जा बेचारी कहीं नहीं है, जा तो होगा, जा नहीं है तो कोप होगा, कोप यहां है तो और कहीं कोप होगा, कपो है यहां, कोप यह देखिए यहां है ना, केओपी कोप, केओपी कोप, और ऐसे भी पूरे में केवल कोप मिल रहा है ना, कोप ही दोनों में केवल कोप मिल रहा था, डायरेक्ट अगर हम गौर करते कि इसमें दोनों में नहीं पता चलता, इसको काटने के बाद ही पता चलता, कोप और इसमें भी कोप है, और इसमें कौन है, कार्ड्स एंड टेनिस, और इसमें क्या बचा हुआ है, टेनिस आशा, तो टेनिस कौन होगा, टेनिस ही कोप होगा, टेनिस ही कोप होगा, तब कौन बचा, जा आशा, जा आशा कौन हो गया, यहां पूछ रहा था आशा का संकेत क्या है, तो जा। इस सब हिसाब में स्पीड नहीं करना, आराम से बनाना है, बार बार बता रहा हूं, केवल मिलान करना है मुस्तैदी से, वो नंबर तो एकदम पॉकेट का हो जाएगा, आप घेर सकते हैं डायरेक्ट, हमको मतलब कि इतना कौन लिखेगा, टाइम बचे इतना खर्च करेगा, हम यहां से भी कर सकते हैं, हमको देखना है कप्पो की टॉप मा उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कोप जा की मा, अब इन दोनों साफ दिख रहा है केवल क्या मिला, मा, तो मा, मा, मा में कौन है, मा में कौन है, कप्पो की टॉप मा, और यह है कोप जा की मा, मामा केवल मिला, तो मा बराबर कौन हो गया, हाँ की भी मिला, कोई दिक्कत नहीं, की भी मिला, तो इसे मिल क्या रहा, उषा इज प्लेइंग, और यहाँ आशा इज प्लेइंग, तो इज प्लेइंग है, इसका मतलब है इज प्लेइंग मिल गया कॉमन रूप में, चूंकि हमको निकालना है आशा केवल, एक बार कोई भी क्वेश्चन बनने पहले रीडिंग देना चाहिए, रीडिंग दे लीजिए पहले पूरा, उसके बाद बनाने पड़िए, टाइम कभी नहीं परछावल में घटता है, ठीक ना, वो बुधू बचा परछावल में समय घटता है, तो इज प्लेइंग हो गया, इज प्लेइंग हम जान गए, अब हमको जानना क्या है, जानना है आशा, और आशा बेचारी है कहाँ, आशा बेचारी है कहाँ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, उसके बाद कार्ड्स एंड टेनिस, नंबर एक में क्या था, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कब्जा की माँ का अर्थ है आशा इज प्लेइंग, केवल आशा बचा हुआ है ना, टेनिस, टेनिस और कहाँ है, किसी में है टेनिस, किसी में नहीं, सबसे लास्ट वाला में कार्ड्स एंड टेनिस है ना, कार्ड्स एंड टेनिस, तो इसके लिए जो आया है कौन है, कोप जा की मा, और यहाँ है पो सूर कोप, तो कोप मिल रहा है, कार्ड्स एंड टेनिस में क्या मिला, कार्ड्स एंड टेनिस वाला में पो सूर कोप, और आशा इज प्लेइंग टेनिस, इसमें भी मिलता है कोप जा की मा, तो कोप, और इसमें भी मिला कोप, तो कोप कोप मिल रहा है, इसका मतलब है टेनिस है कोप, बात बुझे, थोड़ा सा सीधा में लिखने से क्या होता है, सरल पड़ता है, ठीक ना, इसलिए सीधा में लिख के कम करना चाहिए, सीखते समय शुरू में सीधा ही लिख के करना चाहिए, ठीक ना, तो कोप कोप मिल गया, तो कोप मिलिए गया, इसका कोप हम पता चलिए गया, कोप कौन हुआ, कोप हो गया टेनिस, और इच प्लेइंग क्या था, कीमा था ना, की और माँ था, कीमा था इच प्लेइंग, तो जाइए ना बचा, जा आशा के लिए, और अगर सीधा में लिख के करते तो और सरल हो जाता है, थोड़ा सा इसमें है कि कन्फ्यूजन हो लगता है, इधर दाएं बाएं दाएं बनकर और सिद्ध में रहता है तो थोड़ा ढूंढना आसान हो जाता है, इसलिए सिद्ध में कर लेते हैं हम लोग, ठीक। चार नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी निश्चित भाषा में फिर लिख देते ओक्का पेरू, ओके ओक्का पेरू लिख के कीजिएगा अभ्यास ना, तो गलती नहीं होगा, इसका तात्पर्य क्या है, फाइन क्लोथ, इसका तात्पर्य है फाइन क्लोथ, इसका तात्पर्य है, आगे क्या है,
मेटालिसा का तात्पर्य है क्लियर वाटर, मेटालिसा का अर्थ हुआ क्लियर वाटर। आगे है डोनालिसा पेरू से क्या तात्पर्य है, से तात्पर्य पूरा दे दिया है, डोनालिसा पेरू से तात्पर्य क्या दिया है, डोनालिसा पेरू का अर्थ क्या दिया है, फाइन क्लियर विदर, फाइन क्लियर विदर विदर। तब करना क्या है, शब्द का अर्थ विदर किसके लिए है, तब कहता उसी भाषा की किस शब्द का अर्थ विदर है, तो विदर है कहाँ यारे, यहाँ विदर यहाँ है, एक जगह विदर यहाँ है और कहीं है विदर, पूरे में विदर कहीं नहीं है, इसका अर्थ ये लिया है, इसका अर्थ ये लिया है, इसका अर्थ ये लिया और विदर एक ही जगह है, तो इसमें तीन में से डोनालिसा पेरू में से ही कोई ना कोई उत्तर होगा ना, डोना पेरू, तब डोने पेरू खाली दिख रहा पंकित, ये सब तो होगा ही नहीं डोना पेरू, तो अब क्या करेंगे, हमको पता नहीं चल रहा है विदर में तीन थो दिख रहा है कौन, हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, फाइन और क्लियर खुद उच्च इधर कहीं है, क्लियर है इसमें और क्लियर कहीं है, क्लियर इसमें, ये दोनों में मात्र क्लियर मिल रहा है, यहाँ मिलेगा हेटालिसा डोनालिसा, तो लिसा मिला ना, इसका मतलब लिसा ही क्लियर है, अब बचा डोना, डोना कहीं है, डोना पेरू देखो तो पेरू यहाँ भी है, पेरू इसमें भी है देखो है ना, डोना पेरू और का पेरू, तो पेरू के लिए कुछ कॉमन हुआ होगा, फाइन विदर यहाँ है, फाइन क्लोथ इसका मतलब है पेरू के लिए ही फाइन है, तब बचा कौन डोना, डोना के लिए विदर है, तो डोना के लिए विदर हो गया, बात समझे, मतलब कॉमन ढूंढना है, क्या करना है इसमें कॉमन ढूंढना है, ऐसे भी हम देख लेते पहले, इससे भी देख रहे थे क्या, ऐसे कि ओक्का पेरू हेटालिसा डोनालिसा पेरू, हम डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पेरू है, इसमें भी एक पेरू है, तो इसमें कॉमन एक ही होगा, फाइन क्लोथ फाइन क्लियर विदर, पेरू के लिए हो गया फाइन, पेरू के लिए हो गया फाइन, फिर डोनालिसा क्लियर विदर, हेटालिसा क्लियर भी वाटर, तो इसका मतलब है लिसा, लिसा को हमने मिला डोनालिसा और इसमें हेटालिसा, लिसा इसका मतलब है एक वर्ड है, लिसा जो है एक वर्ड है, और लिसा के लिए कौन आया क्लियर आया, तो क्लियर लिसा है, क्लियर लिसा है, बजिया कौन विदर, विदर के लिए कौन है डोना, और हेटा हो गया वाटर के लिए, तो अब तो मुखी रहता क्वेश्चन बनता, समझ में आया, तो इसी प्रकार का पूरा टाइप तीन में टोटल इसी तरह का रहता है, फिर भी एक दो और बताता हूँ जरा सा, तो क्वेश्चन है कि किसी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक के लिए ये क्वेश्चन है, कुछ का मैं ऑप्शन नहीं उतारा हूँ जगह अभाव होने के कारण, आपको मैं बनाने सिखाता हूँ, किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल इज फार फ्रॉम हियर को टू गा डी बा नी तथा हियर इज द बस स्कूल को लिखा है रू टू नी डी जी, फिर कहता है कम फ्रॉम स्कूल को गा नी मो लिखा जाता है, इज द बस लेट को रू जी फा टो लिखा जाता है, तब कहता है गा किसके लिए आया, चार ऑप्शन दिया होगा, पांच ऑप्शन दिया होगा, तो गा का हमको अर्थ निकाल लेना है, हम गा का अर्थ निकाल लेंगे, गा किसके लिए आया, गा कहाँ कहाँ है, इसमें गा है और कहीं गा है, तो हम देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें गा मात्र गा, इन दोनों में एक ही तो सिर्फ गा है ना, उसके बाद क्या है नी भी मिल गया, नी भी मिल गया, तो गानी के लिए वर्ड आएगा, इसे हम लोग कॉमन करके सब वर्डे का मीनिंग निकालेंगे, तब तो चूंकि 8 से लेकर 14 तक बनने वाला है, तो इसमें समय देंगे 5 मिनट आराम से, 5 मिनट में छांट के अलग कर लेंगे, 4 मिनट समय दे देंगे, 3 मिनट समय दे देंगे, सब वर्डे का मीनिंग निकालेंगे तब तो सब बनेगा, सब वर्ड का अलग अलग बायफर्केट मीनिंग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले सिंगल खोजने का कोशिश करें, इज द बस लेट, इसमें भी इज है, हियर इज द स्कूल बस, इज द बस तीन तीन मिल गया, छोड़ देते हैं, स्कूल इज फार फ्रॉम हियर, यहाँ हियर इज द स्कूल बस, स्कूल भी मिल गया, इज भी मिल गया, इज द बस लेट,
कम फ्रॉम स्कूल और यहाँ हियर इज द स्कूल बस, इस दोनों में क्या मिला? केवल और केवल स्कूल, एकल। पहले हम ढूंढ के क्या किए, हम पहले देखे किस में एक ठू मात्र मिल रहा है। चार पांच सेंटेंस हमारे पास है ना, एक दो तीन चार सेंटेंस है, चारों हम देखे कम से कम मिलने वाला कॉमन कहाँ है, तो खोजते खोजते हमको मिल गया तुरंत कि इसमें है हियर इज द स्कूल बस, इसमें है कम फ्रॉम स्कूल, केवल और केवल क्या मिला स्कूल, तो इन दोनों में एक ही वर्ड मिलेगा। टोनी डीजी गानी मो, तो नी मिला, तो नी कौन है, नी स्कूल है, तो हम लिख दिए नी बराबर स्कूल, नी खत्म हो गया। अब तो चाहेंगे नी सब जगह काट सकते हैं जहां जहां नी है, जैसे यहां नी है इसको काट देते हैं, यहां भी नी स्कूल होगा स्कूल भी काट देते हैं, ऐसे खत्म हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कॉमन मिलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कॉमन मिलाने की कोशिश करेंगे कि कम फ्रॉम और यहाँ है कि हियर इज द बस, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल इज फार फ्रॉम हियर, केवल और केवल फ्रॉम मिला, इन दोनों में क्या मिला बस केवल। आपको भी ये करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, आपको भी दिमाग लगाना है, खोजना है। हम देखे यहाँ फ्रॉम दिख गया, क्या दिख गया फ्रॉम, तो इसका जो वाक्य बना है इसमें भी एक ठो मात्र कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, डी गा डी बा गा मो, तो गा गा मिल गया, क्या मिल गया, ये तो कटा हुआ है चूंकि जा चुका है, तब अब गा भी काट सकते हैं, गा को काट दिए, इसको काट दिए, फ्रॉम काट दिए, फ्रॉम काट दिया, मतलब फ्रॉम किसके लिए आया, गा के लिए आया फ्रॉम। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, इज फार हियर इज द बस, इज इज केवल कॉमन मिल रहा है, तो इज कॉमन मिल रहा है, तो इधर क्या क्या बचा है भाई, इज फार हियर, यहाँ हियर इज द बस, इज हियर दोनों है इसमें, तो ये झंझट कर देगा हमको। कम भी कहीं नहीं है, कम इसमें नहीं है, इसको देख लेते हैं, इज द बस लेट, इसमें इज केवल है और इसमें है इज फार हियर, बस है ही नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें लिए देखिए इज है और बस भी मिल गया, फिर झंझट होता, आगे ऊपर बढ़ गए, इज फार हियर, यहाँ इज द बस लेट, केवल और केवल कौन मिला, इज मिल गया, तो इसका यहाँ जो आया है सांकेतिक कोड उसमें भी एक हिट मिलेगा, कौन है, टू डी बा, इसमें है रू जी फा टू, कौन मिल गया, टू टू को काट देते हैं, यहाँ से इज इज को काट देते हैं, इज हो गया किसके लिए, टू के लिए हो गया इज। अब कौन बचा, फार हियर, फार हियर, हियर इज द बस, केवल इन दोनों में अब हियर मिलने लगा ना, फार हियर, यहाँ हियर इज द बस, तो फा क्या मिला हमको, हियर मिल गया, हियर हियर, इन दोनों में भी एक ही चीज मिलेगा, डीबा और यहाँ है रू टू डी जी, तो डीडी मिला, क्या मिल गया, डीडी मिला, डीडी टू तो इज है, टू टू इज है, इसको भी काट सकते हैं, टू हमको खोजा चुका है इज, तो क्या मिला, फार हियर और इसमें है हियर द बस, और इधर है डीबा, इसमें है रू डी जी, तो ये डी मिल गया, डीडी मीन्स हियर, डीडी मीन्स हियर, तो हम डी लिख दिए, डी हो गया हियर। अब कौन बचा, इसमें देखिए बेचारा अकेला पड़ा हुआ, फार, तो बा हो गया फार, बा हो गया फार। अब कौन बचा, ये तो खत्म हो चुका है, स्कूल खत्म हो चुका है ना, नहीं हुआ स्कूल, नहीं गया, हाँ स्कूल, तब तो इसको भी काट देंगे, क्यों यहाँ रखेंगे, हम रखेंगे इसको क्यों, अब इसमें भी कोई एक टुक टुक ताक रहा है, ये मो कम केवल, कम के लिए मो है, कम के लिए मो है, मो है किसके लिए, कम के लिए। और कौन बचा, यहाँ से यहाँ तक में कौन चला गया, द बस लेट, इसमें क्या है, द बस लेट, इसमें द बस और लेट कहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो द बस और इसमें भी है द बस, और यहाँ तो मिलता होगा रू जी फा,
ये फा कौन होगा आप बताइए आप लोग, लेट होगा फा, तो फा भी मिल गया लेट। अब कौन बचा, द बस बचा, और यहाँ रूजी रूजी, तो रूजी द बस है, संज्ञान में रखना है रूजी द बस है, वो अब क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। केवल रूजी बचा है ना, रूजी का कोई सोल्यूशन भी नहीं है, केवल फार का भी यहाँ बा मिल ही चुका है, फार का बा मिल ही चुका है। अब देखिए कितना मिनट लगा, तो बताने में समय गया, दो से तीन मिनट लगेगा अरेंज करने में, सब वर्ड छांट के अलग कर लेंगे। अब तो कुछ क्वेश्चन करें ना सब बनेगा। गा किसके लिए लिखा गया है, गा कह रहे फ्रॉम, कहीं फ्रॉम तो ऑप्शन होगा ही नहीं, होगा तो इसको मार देंगे अपना साथी है नोटी ना, और ये नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन गलत है, इसमें चिंता क्या करना, समझ नहीं इस पर कलम होगा, ठीक ना। उसके बाद दी गई सांकेतिक भाषा में लेट 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 कहाँ है भाई, लेट या फा है, फा ऑप्शन होगा ही नहीं, होगा तो ये दोस्त साथ कर लेंगे, अगर फा कहीं मिला तब तो इसको लेंगे, अगर कहीं नहीं मिल रहा तब इस दोस्त को ढूंढेंगे एन ओ टी को। नन ऑफ दीज है ये, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, तो फा भी हो गया। अब कहता है फा मो बा लेट कम फार, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फार कम लेट लेट कम फार उल्टा पुल्टा भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, अगर सीधा है तो ठीक है, नहीं है तो डिसऑर्डर में भी मिल सकता है, ठीक ना, इसका टेंशन नहीं लिया जाता है। फा मोबा यानी कि लेट कम फार होगा, लेट कम फार लेट कम फार स्कूल कम लेट फ्रॉम है ये, तो फार वाला एक ही तो है, ये है तीनों वर्ड मिलने वाला, ओह गर्दबे उड़ गया रे। अब आगे है रू नहीं है तभी यहाँ बचा बाट होगा, द बस बचा है कौन, रूजी बचा है द बस, और यहाँ बस तो है ही नहीं, यहाँ तो बस है ही नहीं, इसका मतलब है रू कौन है, रू कौन है, द है रू मोडी। अब इसका ऑप्शन मैंने ही लिखा हूँ, हाँ ऑप्शन से क्लियर होगा, मेरा ऑप्शन नहीं तुरंत ऑप्शन दे देता हूँ, तो रू मोडी मो के लिए कम है, और रू डी डी भी होगा, डी देखिए हियर है ना, अरे मो के लिए कम है डी के लिए हियर है, तो कम हियर किसमें है भाई, कम हियर इसमें नहीं है, कम हियर इसमें है, कम लेट इसमें है, कम हियर इसमें है, केवल डी और बी में है ना, कम फ्रॉम हियर यहाँ कम द हियर, अब होगा कौन, तो एक तो यहाँ रू लगा है, रू के लिए द या बस है, देखिए रू जे के लिए कौन है, तो रू के लिए द या बस होगा, तो इसमें कुछ है क्या द या बस, तो बी नंबर में है फ्रॉम तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं रू के लिए कम या बस होगा, रू के लिए ऑप्शनल है, रू के लिए कौन होगा, कम या बस, कम या बस ही दोनों में केम होगा, क्या देखिए यहाँ द लगा है, यहाँ फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, द वाला होगा, इससे क्या पता चल गया हमको कि द किसके लिए है, द भी क्लियर हो गया कि द कौन है, रू है, बस भी क्लियर हो गया, बस किसके लिए है, जी के लिए, अब ये दोनों भी क्लियर हो गया। आगे क्या कहता है, स्कूल का कोड कौन होगा, स्कूल का कहीं होगा या नहीं होगा, ऑप्शन रहेगा नी वाला मार देंगे, इसका ऑप्शन इजी है, कम दिस फार है, हाँ दे है मिस हो गया लिखने में, कम द फार, तो कम में कौन है, मो है, द में कौन है, द में रू है, फार में कौन है, फार में बा है, तो क्या हो जाएगा, मोरूबा, ये तो उल्टा लिखा गया, द इधर लिख देना चाहिए था हम लोगों को और बस इधर लिखना था, ठीक ना। अब देखिए रू द हो गया ना, समझ में आया, कम द फार यानी कि मोरूबा, तो ऑप्शन में जिसमें मोरूबा या बारू मो रहेगा उसको मार देंगे, उल्टा पुल्टा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है फ्रॉम स्कूल बस, तो फ्रॉम कहाँ है, गा, फ्रॉम के लिए हो गया गा,
स्कूल के लिए है नी, बस के लिए है जी, तो गानी जी, जहाँ ऑप्शन वाला गानी जी वाला ऑप्शन रहेगा गानी जी वाला मार देंगे। जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, उतारने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए कभी कभी ऑप्शन जान के छोड़ देता हूँ, ऑप्शन दे सकता हूँ। ऐसे मैं होमवर्क जो दूंगा उसमें ऑप्शन भी रहेगा और आंसर भी रहेगा, इसको एक एक करके बनाना है। जहाँ दिक्कत होगी तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर बढ़िया लगा समझने में आ गया तो शेयर कम से कम 4-5 बच्चे को जरूर करना है अपने तरफ से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।